ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। राजनांदगांव जिले के वसेलियन स्कूल में नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में शहर के विभिन्न स्कूलों के करीब 200 विद्यार्थी सहित शिक्षक एवं शिक्षिकाएं शामिल हुए। इस कार्यशाला में विद्यार्थियों में कोडिंग से संबंधित जागरूकता पैदा की गई, वही व्यावसायिक शिक्षा के गुर बताए गए। कार्यशाला में नीति आयोग छत्तीसगढ़ के नोडल अधिकारी धनंजय पांडे ने अटल टिंकरिंग लैब की तकनीकी जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को बताया कि अटल टिंकरिंग लैब में अत्याधुनिक तकनीकी उपकरण होने से बच्चे विज्ञान के क्षेत्र में नए नए आविष्कार कर रहे हैं। ATL का मतलब है जो नीति आयोग का कहना कि इस दशक तक हमको 1,00,000 इनोवेटर्स तैयार करना, और वो इनोवेटर्स तब तैयार होंगे जब उनके कॉन्सेप्ट मालूम हो। उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आज यहाँ पर आए गए, ताकि बच्चे अपनी स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ इनोवेशन को आगे बढ़े और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे सकें। अटल टिंकरिंग लैब में ऐसी टेक्नोलॉजी दी गई है जहाँ हम 10 वर्ष पहले कल्पना नहीं कर सकते थे, जैसे 3D प्रिंटर्स, जैसे सेंसर्स, जैसे मोटर्स, जैसे माइक्रो प्रोसेसर, ये हम पहले नहीं जानते थे। आज हम उस चीज़ को जानते हैं। माइक्रो प्रोसेसर कोडिंग करके हम बड़े बड़े रोबोट्स बना रहे हैं, जो कि पहले आज से 10 साल पहले संभव नहीं था, या था भी तो बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में थे, ये ग्रासरूट लेवल में नहीं आए थे। आज ये सब जो टेक्नोलॉजी हमें अवेलेबल है और इसके जरिए हम नए नए आविष्कार कर रहे हैं। अटल टिंकरिंग लैब में बच्चे, आपको मैं बता दूं कि अभी मल्टीपर्पज बिलासपुर के बच्चे को रूस के राष्ट्रपति ने कॉल किया था, वहाँ के बच्चे को राष्ट्रपति भवन कॉल किया गया था, वहाँ के बच्चे भारत के नेतृत्व के दुबई में किए हैं, ये केवल और केवल अटल टिंकरिंग लैब के जरिए संभव हो सका है। वेस्लियन हिंदी माध्यम स्कूल के प्राचार्य संजय गाड़िया ने कार्यशाला पर प्रकाश डालते हुए केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को क्रांतिकारी कदम बताया है। साथ ही उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति से जहां बच्चों को नैतिक शिक्षा मिलेगी, वहीं कक्षा 6वीं से ही बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा जा सकेगा। आज नीति आयोग के सहयोग से कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत केंद्र सरकार नीति आयोग के माध्यम से अटल टिंकरिंग लैब सारे जितने भी इच्छुक विद्यालय हैं वहां पर अटल टिंकरिंग लैब स्थापित कर रही है, और सारा सहयोग केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। उसी अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं विद्यार्थियों में कोडिंग से संबंधित और नवाचार से संबंधित जागरूकता पैदा की जाए। इसी क्रम में आज कार्यशाला का आयोजन किया गया है, और बिलासपुर से छत्तीसगढ़ के रिसोर्स पर्सन हैं डॉक्टर धनंजय पांडे और उनके सहयोगी हैं मुरली देवांगन, वो आए हुए हैं कार्यशाला लेने के लिए। इस दौरान 11:30 बजे के आसपास तन्वी मिश्रा मैडम, जो कि एक्सपर्ट हैं नीति आयोग की, वो 11:30 बजे के आसपास ऑनलाइन के माध्यम से, गूगल के माध्यम से जुड़ेंगी। फिर कुछ समय के बाद मिस्टर खंडेलवाल हैं, जो कि मुंबई बेस्ड एक बिजनेसमैन है, जो कि AIM के अटल इनोवेशन मिशन के मेंटर हैं, ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स, वो भी जुड़ेंगे, जो कि इन बच्चों को प्रेरित करेंगे। प्रेरणा इनकी नवाचार से संबंधित, सामाजिक नवाचार है, शैक्षिक नवाचार है, उससे संबंधित प्रेरणा के विषय में वो जुड़ेंगे और जितने भी प्रतिभागी हैं उनको प्रेरित करने का प्रयास करेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।